Assalamu alaikum, my little lovelies. Today we will learn Maths, chapter number 5, division. Let's start division. Practice what you know. हमको अभी प्रैक्टिस करनी है जो हम जानते हैं. हमने सेकंड स्टैंडर्ड में भी डिवीज़न पढ़ा है, उसमें हमने जो कुछ भी जाना उसकी प्रैक्टिस हम अभी इधर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. शेयर इक्वली टू फाइंड हाउ मेनी फॉर इच. ए प्लेस 6 कैंडल्स इक्वली ऑन 3 पेस्ट्रीज. मीन्स हमको 6 कैंडल्स दी है, उसको हमको 3 पेस्ट्रीज में डिवाइड करना है. तो सबसे पहले हम डिजिट जो नंबर्स होंगे उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे. 6 कैंडल्स एंड 3 पेस्ट्रीज. तो हमको 3 का टेबल तब तक बोलना है जब तक 6 नहीं आ जाता. सो मेरे साथ बोलो, 3 वन्स आर 3 एंड 3 टूज आर 6. आ गया 6, 3 टूज आर 6. तो सारी मतलब एक पेस्ट्री में 2 कैंडल्स आएगी. एक पेस्ट्री की 2, दूसरी पेस्ट्री की 2 एंड तीसरी पेस्ट्री की भी 2. अंडरस्टूड? ये आपको आता है. और आज हम वन स्टेप अप जाएंगे. जैसे हम सेकंड स्टैंडर्ड में से थर्ड स्टैंडर्ड में वन स्टेप अप गए, वैसे ही डिवीजन में भी वन स्टेप अप जाएंगे. आर यू रेडी फॉर दिस? यस और नो? लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 5A, पेज नंबर 94. एक्शन एक्सरसाइज. टेक एन आइस ट्रे or draw boxes like an ice tray. On sheet of paper, use Rajma sets to solve and find the answers. हम जब second standard में थे तब भी हमने ये Rajma sets वाली exercise की थी. आज हमको फिर से करनी है. हमको एक paper में ice tray के जैसे box बनाना है. Number one, Share 18 Rajma seeds equally among 6 sections of the ice tray. How many Rajma seeds are in one section? मतलब हमको जो 18 Rajma seeds है वो 6 section में divide करने हैं. Means हमको 3-3 के 2 parts वाली एक tray, ice tray बनानी है एक paper में. फिर हमारे पास 18 राजमास है, तो हमको 6 का टेबल 18 तक बोलना है. तो मेरे साथ बोलो, 6 वन्स आ 6, 6 टूज आ 12, 6 थ्रीज आ 18. सो 18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 3. 6 थ्रीज आ 18. तो एक सेक्शन में 3 सेट्स आएगे. अंडरस्टूड? रेस्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज डू इट बाय योरसेल्फ. नंबर 2, पुट द बटन इक्वली ऑन द शर्ट्स एज इंस्ट्रक्टेड. ए यूज 6 बटन्स. मींस हमको 6 बटन यूज करने को बोला है और हमको 2 शर्ट्स दिए हैं. अभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं. शेयर इक्वल 6 शेड इक्वली बाय 2 इज डैश. 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू डैश. ईच शर्ट विल हैव डैश बटन्स. अभी हमको ये 6 बटन दोनों शर्ट में डिवाइडेड करेंगे तो एक शर्ट के हिस्से में कितने बटन आएंगे वो हमको ढूंढना है. तो हमको 1 एंड 2 शर्ट काउंट करना है. 2 शर्ट से अभी 2 का टेबल जब तक 6 नहीं आता तब तक हमको बोलना है. सो मेरे साथ बोलो, 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6. सो आंसर इज 3. तो एक शर्ट के हिस्से में 3 बटन्स आएंगे. 6 शेड equally by 2 is 3. 6 divided by 2 equal to 3. Each shirt will have 3 buttons.
Understood? Now 3. Find out how many in each group. A. 10 cupcakes equal 2 equal groups. मतलब हमको यहाँ पे 10 cupcakes दिए है, उसको हमको 2 groups में divide करना है, पर equal members होने चाहिए, मतलब equal cups होने चाहिए. 10 cupcakes in each group. एक group में कितने cupcakes हो गए वो हमको ढूंढना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अभी हमको 2 groups बनाने हैं, तो हमको easy way कौन सा रहेगा, 2 का table 10 तक बोलना है. Now मेरे साथ बोलो, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. Means 10 के 2 equal group करने होंगे, तो हमको एक group में 5 cupcakes डालने होंगे. So count with me, 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये 5 का 1 group हुआ. So 10 cupcakes, 2 equal groups, dash cupcakes in each group means 5. 5 cupcakes in each group. Understood? Rest of all exercise, do it by yourself. Equal grouping. When we put object into equal groups, we actually find out how many equal group can be made. We also use division to find out how many equal groups can be made. हम जब इक्वली ग्रुप करते हैं तब हमको मतलब कितने ग्रुप हुए वो हमको पता चल जाती है, और दूसरे वे में हम डिवीजन से भी ये चीज़ पता कर सकते हैं. ओके, नाउ देखते हैं. ये एक पेपर है, उसमें 5 फोटोग्राफ्स है, मतलब 5 का एक ग्रुप हुआ. अंडरस्टूड? अभी हम डिवीजन करेंगे और मतलब इक्वल ग्रुप करेंगे तो भी हमको पता चल जाएगा कि कितने ग्रुप्स है. अंडरस्टूड? 1, 2, 5, 2s are 10. डिवीजन से पता चला 5, 5 2s are means 2 groups, एंड हमने इक्वली डिवाइड किया तो भी पता चल गया 1, 2 and 3 means 15. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. Means 3 groups. समझ में आया? 1, 2, 3 and 4. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. So 4 groups and 20 photographs. Understood? ऐसे हमको इक्वल ग्रुपिंग करना है. नाउ एक्सरसाइज 5B. पेज नंबर 96. नंबर 1. फाइंड हाउ मेनी ट्रे आर नीडेड. हमको यहाँ पे 15 ग्लासेस दिए हैं, हमको 15 ग्लासेस के लिए कितनी ट्रे नीडेड है वो हमको ढूंढना है. 15 in equal groups of 5 gives 3 groups. 15 divided by 5 equal to dash. Dash tray are needed. हमको 5 का एक group बनाने है, हमको यहाँ पे 15 glass दिए है. तो कैसे करेंगे? ये 5 का 1 group, फिर ये 5 का 2nd group और ये 5 का 3rd group. Means 3 group हुए, 15 divided by 5. तो 5 का टेबल जब तक 15 नहीं आता तब तक बोलना है. चलो मेरे साथ बोलो, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15. मीन्स 3 ग्रुप्स हुए, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3 एंड 3 ट्रे आर नीडेड. अंडरस्टूड? रेस्ट ऑफ ऑल सम्स
मीन्स रेस्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज डू इट बाय योरसेल्फ। हमको इजी वे अगर ढूंढना है तो कैसे करेंगे? ऐसे हमको जब सेंटेंस दिया होगा 15 इन इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 गिव्स डैश ऐसे दिया होगा तो हमको देखना है पहले जो डिजिट है उसको हमको अंडरलाइन करना है दोनों को बराबर। फिर दोनों में से जो छोटा होगा उसका टेबल हम जब तक ये बड़ा नहीं आता बिग नंबर नहीं आता तब तक हमको बोलना है तो आंसर आ जाता है। चलो तो देखते हैं ये 15 और ये 5 और 5 और 15 में से कौन छोटा है 5 और कौन बिग है 15 तो हमको किसका टेबल बोलना है 5 का 5 का टेबल 15 तक बोलना है तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 तो 15 आ गया 5 3 15 आपको पता चली। ऐसे ही आपको सब सम्स करने हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह। रिमेंबर अस इन योर दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।